अच्छा वहां से दिखेगा, आप देख सकते हैं यहां से। अच्छा ये है, रेडी होलोग्राम। भाई नाम क्या आपका? दिव्यांशु नेगी। दिव्यांशु नेगी। अच्छा कहाँ से हो? जय से मोदा। बहुत अच्छा बना रहे हैं आपने। बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी हमारे लिए। सब सही है इसका। अंदर गया, अब लाइट आएगी तो एकदम से बंद हो जाएगा। अच्छा ये अकाउंट हो गया ना, अंदर जाएगा तो ये क्लीन हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा ना। बहुत बढ़िया है। क्या नाम है भाई आपका? कविंद्र रावत। अच्छा कहाँ से? सर एक सर कैसे? बहुत बढ़िया है। बच्चों द्वारा बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट बनाए गए हैं। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, अभी मैं हूँ अपनी सड़क पे और आज मैं जा रहा हूँ गाइस सिरकोट खाल, क्योंकि आज सुबह सुबह मेरे को मंदी भैया का फ़ोन आ गया था, जो कि रेटा खाल स्कूल में टीचर है। उनको फ़ोन आ गया था मुझे कि आज विज्ञान की प्रतियोगिता है, कुछ मतलब प्रोजेक्ट बना रखे लड़कों ने, तो वो आज सिरकोट खाल में उसकी प्रतियोगिता है, तो आ सकता है तो आ जा, कि वहाँ तेरा अच्छा सा ब्लॉग बन जाएगा और मतलब एक अच्छी सी वीडियो बन जाएगी, लोगों को भी मतलब उस वीडियो से लोगों को भी प्रेरणा मिलेगी कि मतलब ज्ञान की प्रतियोगिता ऐसी होती है पहाड़ों में, तो वो भी हो जाएगा। फिर मैंने कहा ठीक है मैं आ जाऊँगा। आजकल छोटे दिन हो रखे तो घर पे वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिल रहा, जल्दीबाजी हो रही थी। दिन वहाँ से तैयार होकर फिर सीधा नीचे आ गया, क्योंकि जल्दी जाना है वहाँ, क्योंकि 9:30 बजे से बोला स्टार्ट हो जाएगा, तो अभी 9 बज चुके हैं, तो फिर मैं चलता हूँ। और यह है अपनी धनु, तो अब साफ़ हो रखी है, परसों एकदम रगड़ रगड़ के धो रखी मैंने। और आज ऐसे कैम मिला रखा था, इसकी बैटरी कल डेड हो गई थी, बट आज थोड़ा बहुत ही चार्ज किया है मैंने, ज़्यादा चार्ज नहीं किया है, तो अभी है इसमें इतना कि मतलब आज चल जाएगा, क्योंकि ज़्यादा दूर नहीं जाना है। तो अभी चलते हैं और अब मिलते हैं अपने ऐसे कैम पे। तो भाई अब मैं निकल गया हूँ घर से और जल्दी चलते हैं, क्योंकि 9:30 तो यही हो गया है, मतलब 10 बजे पहुँचना है, 10 बजे भी टाइम लग ही जाएगा, क्योंकि रोड ख़राब है ना वहाँ, तो इसलिए तो थोड़ा बहुत और टाइम लग जाएगा। और इस पर बैटरी भी बहुत कम है, देखते हैं इसका इसकी वीडियो कितनी बनती है, वो भी देखना पड़ेगा। ठीक है भाई, बाबा ये किधर से बोल रहा? तो गाइस अब यहाँ से चलेंगे हम ऊपर के लिए और यहाँ से शॉर्टकट में पहुँचेंगे सिरकोट खाल, तो चलते हैं। और यहाँ की रोड ना ये थोड़ी सी खराब रहती थी, तो भाई गाइस मैं पहुँच चुका हूँ सिरकोट खाल मार्केट। शॉप पे तो अब मैं जा रहा हूँ ऊपर मतलब स्कूल में, तो बुला रहे भैया, तो अभी ऊपर मिलता आपको स्कूल में। भगाओ भगाओ ये ताल भगाओ। तो ये है गाइस सिरकोट खाल के स्कूल। शाबाश यार, मैं तो पहली बार आ रहा हूँ यहाँ। बहुत अच्छे से कर रहे हैं बच्चे यार, सब कुछ। और हमारे मंदी भैया यहाँ है, धन्यवाद धन्यवाद। नाते में आपका स्वागत करता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद कॉलेज से गुरु खाल। धन्यवाद भैया। अस्पताल के डॉक्टर और आयुर्वेदाचार्य श्री डॉक्टर साहब ब्रह्म सरदेव प्रधानाचार्य और हमारे क्षेत्र के वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता श्री बलवंत गोसाई हमारे इस विद्यालय को समर्पित कर रहे हैं, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। आज के हमारे इस ब्लॉक स्तरीय विज्ञान महोत्सव का ये जो कार्यक्रम है, हमें इसको संपन्न करने का सौभाग्य मिला है, तो इसके लिए हमने हमारे प्रधानाचार्य जी की ओर से पूर्ण रूप से ये व्यवस्था बनाने की कोशिश की गई है और निसंदेह हम इसमें सफल होंगे, ऐसी मुझे आशा है। अधिक न कहते हुए हमारे विद्यालय के श्री विनोद नेगी जी,
श्री मिठाई जी का हमारे विद्यालय से विशेष लगाव और हमेशा तत्पर रहते हैं। भारत माता की जय। आज विकास करने की स्वर्ति अटल उत्कृष्ट केंद्र परिषद खाल के इस सभागार में उपस्थित अपने इस विद्यालय के सम्मानित प्रधानाचार्य जी, यहाँ पर मंच पर विराजमान अपने आयुर्वेदिक हॉस्पिटल के इस बारे में हमारे प्रधानाचार्य जी ने कहा कि ब्लॉक स्तरीय विज्ञान महोत्सव का कार्यक्रम चल रहा है और ये पूरे राज्य में ये कार्यक्रम चल रहा है, तो माध्यमिक स्तर पर हे गाइस, तो अब हम बाहर आ चुके हैं और मेरे साथ है मंदी भाई। तो मंदी भाई विज्ञान महोत्सव के कोऑर्डिनेटर, मतलब ब्लॉक ब्लॉक समन्वयक है, समन्वयक ना ब्लॉक के मतलब कोऑर्डिनेटर है, हाँ ब्लॉक कोऑर्डिनेटर है। तो विज्ञान के बारे में आपको बताएंगे, मतलब जो भी आज यहाँ महोत्सव हो रखा है उसके बारे में पूरा बताएंगे आपको। आज हम यहाँ पे अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज सिरोडखाल में एकत्रित हुए हैं, एक सर ब्लॉक के दूरस्थ विद्यालय से आए हुए यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे। आज यहाँ पे विज्ञान महोत्सव का आयोजन किया गया है। इस विज्ञान महोत्सव में आज तीन गतिविधियाँ होगी। सबसे पहले यहाँ पर विज्ञान प्रदर्शनी होगी, विज्ञान प्रदर्शनी जूनियर और सीनियर लेवल पे होगी। उसके बाद यहाँ पे विज्ञान ड्रामा होगा जिसमें कक्षा 6 से लेकर 10 तक के बच्चे प्रतिभाग करेंगे। उसके पश्चात यहाँ पे विज्ञान मेला का आयोजन किया जाएगा और विज्ञान मेला में यहाँ पर बच्चे एक व्यक्तिगत प्रोजेक्ट बना सकते हैं या टीम प्रोजेक्ट जिसमें दो बच्चे और एक टीचर उनका सम्मिलित होगा। आज ये तीन गतिविधि हम यहाँ पर संपन्न कराएंगे और इस विज्ञान महोत्सव का कोऑर्डिनेटर के नाते में आप सभी व्यूअर का हमारे छोटे भाई राहुल के जो चैनल है उस पर आप सबका स्वागत करता हूँ। देखते रहिए इस चैनल को और सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद 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 धन्यवाद। तो गाइज, मंदी भाई ने बहुत ही अच्छा मतलब इंट्रोडक्शन दिया अपना और काफ़ी कुछ बताया विज्ञान के बारे में कि जो जो आज यहाँ पे होगा। तो आज हम भी आपको यही दिखाएंगे आज यहाँ पे कि कैसे कैसे होता है। मेरा तो पहली बार, मतलब मैं पहली बार आ रखा हूँ ऐसे स्कूल में, मुझे भी एक गेस्ट की तरह ट्रीट कर रहे हैं सब, तो थोड़ा सा हार्ड मतलब घबरा रहा हूँ क्योंकि ऐसे आ नहीं रखा मैं कभी पहले, तो थोड़ा सा मतलब घबरा रहा हूँ अंदर से। तो अभी चलते हैं आगे एंड मिलते हैं आपको आगे। What is green energy? Green energy is a type of resource that has been available set up. Second, I would like to tell you something about types of green energy. The first type of green energy is solar energy. What is solar energy? Solar is a clean source of energy which generates from sun. For example, solar panels, solar cooker, etc. The second type of green energy is wind energy. What is wind energy? Wind energy is the energy which generates from wind turbines. For example, electric wind turbine. The third type of green energy is hydro energy. What is hydro energy? हे गाइस, तो अब हमें मिल चुके हैं हमारे अरुण सर अरुण भाई है मतलब, तो अरुण भी यहाँ जॉब करता है, मतलब क्या कहते हैं वो बाबू की पोस्ट पे है यहाँ, और काफ़ी बार देख रहा होगा अपने ब्लॉग में मेरे साथ, बट आज हम स्पेशली मिल गए उससे यहाँ स्कूल में ही। तो मैं तो पहली बार आ रहा हूँ स्कूल में, आपको बताया मैंने अभी क्या इंस्टाग्राम में बहुत बकवली करते हैं अरे स्टूडेंट सारे, वो भी ऊपर चलते गाइस फिर आपको दिखाते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। तो गाइस अभी चलते ऊपर, देन आपको दिखाते हैं ऊपर विज्ञान की प्रतियोगिता जो भी हो रही है। तो गाइस ये है कमलपुर बच्चों का विज्ञान का प्रोजेक्ट।
Now you can start. सर एक्चुअली होता है जो हमारा पहाड़ी और सर जो हमारा पहाड़ी एरिया है सर उसमें ऐसा होता है कि काफ़ी मात्रा में जो अगले होते वो काफ़ी अधिक होते हैं और जो ड्राइवर होते हैं उनमें बहुत ही प्रावधान होते हैं सर जिसको देखते मैं सर जिसको देखते हैं काफ़ी अधिक बढ़ जाते हैं सर मैंने उसके लिए ये प्रोडक्ट तैयार किया है सर सर इसका मेन उद्देश्य है कि जो दुर्घटनाएँ होती हैं वाहन चालक के द्वारा सर वो उसको कम करना सर जो ये है तो जब सर गाड़ी दोनों तरफ से आएगी तो ये अपना फायर बताना स्टार्ट कर देगा सर सर जब गाड़ी जाएगी तो सायरन स्टार्ट हो जाएगा और जो वाहन चालक होंगे वो आगे हो जाएंगे और अपनी गाड़ी को सायरन लगा के तब वो दूसरी गाड़ी चलिए सर मैम मैंने इसका नाम व्हीकल बॉर्न हॉर्न सिस्टम रखा सामने जो आदमी है ना वीडियो रिकॉर्ड करते हैं हम भी लगे तो सामने चलते हमारे साथ मतलब हमारे बगल में बैठे हैं जैसे बिजनेस वाले होते हैं हमको मीटिंग कर रहे हैं होलोग्राम अच्छा 3D होलोग्राम थ्री डी होलोग्राम ना अच्छा वहाँ से दिखेगा आप देख सकते हैं अच्छा ये है रेडी होलोग्राम भाई नाम क्या आपका दिव्यांशु नेगी अच्छा कहाँ से हो जय से मोदा बहुत अच्छा बना रहे हैं आप गाइस ये है सब एनसीसी वाले जो कि अभी सलूट मार रहे थे सुबह बहुत ही अच्छी सलूट मार रहे थे सबके सब सब अग्निवीर लग रहे फ्यूचर वाला अग्निवीर है ना सर ये एक स्कूल है दूसरे सब्जेक्ट का मॉडल बना रखा है तो सर जैसे ये गेट है स्कूल का तो सर यहाँ से बच्चे अंदर जाएंगे बहुत सारे किया और सर टाइम लग जाएगा 5 सेकेंड का और सर ये बनाएंगे और सर ये मतलब ऑटोमेटिक शट को क्लीन कर देंगे और सर जैसे बच्चों के पास कुछ सामान अच्छा लग जाएंगे नहीं होता कि किसी चीज़ को छोड़ा जैसे स्कूल के लिए डोर इधर ये अच्छा डोर यहाँ है अच्छा अच्छा सर जैसे दबाएंगे हाँ यहाँ 5 सेकंड का टाइम लगेगा आप क्यों सीधे दिखाएं इसे हाँ इधर लाओ लाइव हाँ एक बार चालू कर दो काफ़ी अच्छे अच्छे बना रखे हैं बच्चों ने प्रोजेक्ट बहुत अच्छे अच्छे मॉडल बना रखे हैं जैसे कोई बच्चा यहाँ से जा रहा है दरवाजा खोल के यहाँ पे टाइमर सेट हो गया 5 सेकंड का मतलब बच्चा अंदर जा सके इतना टाइम लिया 5 सेकंड के बाद अपने आप ऑन हो जाता है अच्छा इधर हो जाता है 1 मिनट इसको ना थोड़ा सा इधर घुमा दो 1 मिनट बस आप कर दो आप बता दो जैसे बच्चा अंदर चला गया दरवाजे को छू के उधर 5 सेकंड का टाइम खत्म होगा अपने आप ही क्लीन कर देगा यूवी रेज है अच्छा 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 ठीक है बहुत बढ़िया सवाल बहुत ही बढ़िया अच्छा यहाँ पे पूरी डिस्प्ले है ना टाइमर है टाइमर है पूरा कुछ सामान यहाँ पे रख के क्लीन कर सकते हैं जैसे कुछ सामान अपना आप अच्छा 5 सेकंड बाद इसमें क्या है जैसे ये यूवी लाइट से इसके अंदर हम अपना बैग वैग कुछ डाल सकते हैं जैसे ये स्कैन कर देगा सर जैसे साफ कर दो आ जाएगा इधर इधर आ जाएगा क्लीन हो जाएगा अच्छा अच्छा ऑटोमेटिक क्लीन हो जाएगा ठीक ठीक है
अच्छा ये अकाउंट हो गया ना सर, अंदर जाएगा तो फिर से ये क्लीन हो जाएगा ना। बहुत बढ़िया है। क्या नाम है भाई आपका? कविंद रावत। अच्छा कहाँ से? सर एक सर बहुत बढ़िया है। बच्चों द्वारा बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट बनाए गए हैं और यही बच्चे आगे जाकर हमारे वैज्ञानिक बनेंगे और हमारे देश का नाम रोशन करेंगे। बहुत बढ़िया है। बहुत अच्छा लगा आपको प्रोजेक्ट? वैसे ये बहुत अच्छी प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी हमारे देश का। अंदर गया अब लाइट आएगी तो एकदम से बंद हो जाएगा। कहीं से भी घुसे रात में आदमी जानवर कोई भी चीज अच्छा कहीं से भी रात में करता सकता है ना। थोड़ा सा मैं वीडियो के लिए बना रहा हूँ। ये हमारा बच्चा ये सिरोड़खाल का बच्चा है और इसने बहुत अच्छा मॉडल बना रखा है। आजकल जो हमारे कृषि प्रणाली के लिए जो सबसे मूलभूत जो परेशानी है कि जंगली जानवर क्या कर देते हैं कि कृषि को क्या कर देते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, बर्बाद कर देते हैं हमारी फसलों को, उसके लिए इस बच्चे ने एक अच्छा मॉडल बना रखा है कि कोई भी अगर जानवर अंदर जाएगा तो ये सायरन बजने लग जाएगा। अच्छा सायरन बजने लग जाएगा और फिर अगर इसको इसमें लाइट पड़ेगी तो फिर बंद हो जाएगा। तो बहुत अच्छा वो है ये मॉडल, बहुत अच्छा मॉडल है। कहीं से भी किसी भी रास्ते से अगर यहाँ से भी जानवर जाएगा तो ये नीचे से ये सायरन। अच्छा बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। चल रहा है अभी चल रहा है बता रहे हैं। अच्छा डेमो चल रहा है। तो जैसे पिज्ज़ा या बर्गर जैसे कि ये फास्ट फूड है तो ये हाई कैलोरी वाले फास्ट फूड हैं और इनमें मैदा का इस्तेमाल भी होता है। तो जो मैदा होता है वो हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं होता है क्योंकि वो हमारे आंतों में चिपक जाता है, इसलिए हमें ये ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करनी चाहिए। फिर मैं जीवन में इनका यूज़ करते हो? जी सर, तब बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। जैसे हमने खाना है तो हम अगर टिफिन खाना पड़ती है तो तब ही करते हैं, मतलब जब ज़रूरत पड़ती है ना। चाहते नहीं हम अप्लाई करते हैं उस चीज़ पे। हम अगर मम्मी
पापा ने थोड़ा सा अगर हमें ये अवॉर्ड प्रोवाइड नहीं करवाया तो फिर हम जीत करने लगते हैं। देना चाहते समाज में पहले हम सब सब। खाना खाने का टाइम हो चुका है, सब नीचे आ गए खाना खाने के लिए और अभी मैं भी बैठ रहा हूँ तो पहले मैंने सोचा भी वीडियो बना लेते हैं। ये चार छात्राएं आज विज्ञान ड्रामा में स्वरचित स्वनिर्मित ड्रामा लेकर उपस्थित हुए हैं। अगर हमसे कोई त्रुटि हो तो हमें क्षमा कीजिएगा। एक कहानी सुनो एक कहानी सुनो पीको की ये कहानी सुनो विनाश किया अंधियारे को दूर भगा कर जग में फिर प्रकाश किया। सुनो सुनो ये कहानी सुनो ये कहानी सुनो आत्माएं जब हार गई नई योजना की तैयारी थी प्रबल होकर आई जो वह कोरोना महामारी